उन बच्चों, आप सबको ग्रहण मुबारक हो। घर में ही हो ना, बाहर तो नहीं निकला कोई भी? ठीक है, हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट कर दिया था रिलेशनशिप पढ़ना उनका। टोटल यूटिलिटी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इट इज़ द यूटिलिटी दैट इज़ द टोटल सेटिस्फेक्शन कंज्यूम बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? दैट इज़ द एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव बाय कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी, है ना। मतलब जो हर दूसरी यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा? मार्जिनल, दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग। वो सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता है? कम। और टोटल से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ रहा है, बट धीरे धीरे कम भी हो रहा है। देखो ना आप, इट इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट अ डिमिनिशिंग रेट। वट इज़ दैट मीन? उसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? 18, 24, 28, क्योंकि वो किस पर डिपेंड है? मार्जिनल यूटिलिटी पे। टोटल यूटिलिटी का टोटल किस पे डिपेंड है? MU पर। और MU गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो डेफिनेटली टोटल यूटिलिटी के टोटल में भी फर्क आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कि ना? अब आज हम लोग इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है यार, इस डायग्राम को ना मैं बना के पढ़ाऊँगा आपको, है ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं और समझते हैं। चलो स्टार्ट करें, समझना बहुत इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको। समझ लीजिए आप, ये हो गई आपका देखिए, यहाँ हो गया आपका टोटल यूटिलिटी, यहाँ हो गई आपकी मार्जिनल, की दो ही एक्सेस है ना, तो ये दोनों को एक जगह पर ले लिए। यहाँ हो गई आपकी यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, जैसे एप्पल या जो भी, रोटी पराठा जो भी आप ले लो। एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पाँच यूनिट, छः यूनिट, सही है कि नहीं? अरे हाँ क्या ना। अब एक बात बताओ मेरे को, आपने टेबल पढ़े हो ना, पहली यूनिट पे, अब यहाँ पर भी थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं, हाईएस्ट यार, थोड़ा मज़ा आएगा ना पढ़ने में। तो चार, आठ, बारह, सोलह, सो डिफरेंस बढ़ा दिया मैंने, और क्या था ना, सोलह के बाद क्या था, बीस। तो थोड़ा अपन एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लूँगा मैं, तो गुस्सा नहीं होना प्लीज़, आप लोग बहुत, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, तो तकलीफ़ लगेगी मुझे। ठीक है, यहाँ आ गए अपने, थोड़ा उसको ऐसा किए, यहाँ वापस आ गए। कितनी यूनिट? छः रोटी ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, चार, आठ, सोलह, नहीं बारह, सोलह, बीस, चौबीस और 28। ठीक है, वाई एक्सिस में हो गया आपकी टोटल यूटिलिटी, तेरा तू और मेरा मुँह, और यहाँ हो गया यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी। हाँ के ना? अरे हाँ के ना। ठीक है, पहली रोटी, अब यहाँ हो गया आपका ये ओरिजिन जीरो। अब पहली रोटी जब आपने खाया, अब सोच समझ के आंसर देना पड़े ना, वो टेबल के हिसाब से अपन ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ हो गया चार, यहाँ हो गया आठ, यहाँ हो गया बारह, सोलह, बीस, चौबीस और ऐसे 28। ऐसे ही है, सही बोल रहा हूँ मैं? पहली यूनिट जब आपने कंज्यूम किया था, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? देखो यहाँ पर सर, दोनों 10-10 थे इनिशियल लेवल पर। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, फटाक से बताना, ऐसे मस्ती मत करना मेरे साथ, मैं नाराज़ हो रहा हूँ। नहीं तो 10 कहाँ पर आएगा? ये 12 और 8 के बीच में आएगा 10, यहाँ पर, यहाँ पर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो पहली यूनिट में, ये रहो ये बिंदु बनाए, पहली यूनिट में आपका टोटल यूटिलिटी भी उतना था, मार्जिनल भी उतना था, था कि नहीं था? यस सर। अब सेकंड यूनिट में आपका MU डिमिनिश होने लगा, 10 से हो गया 8, तो वो आ जाएगा यहाँ, आएगा सेकंड यूनिट में। और ये कितना हो गया, 10 और 8, 18, तो 18 कहाँ आएगा जल्दी बताओ? ये 16 और ये 20 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सही बना रहा हूँ ना भाई मैं? फिर तीसरी यूनिट में ये हो गया था 6, ये 6 को 6 बीच में आएगा, 8 और 4 के बीच में, बराबर बना रहा हूँ बच्चों में, और 18 और 6 24, ये 24 हो गया था, तो यहाँ पर 24, तो 24 तो आ गया, ये 24 दिख रहा है, इसके एग्जैक्ट ऊपर यहाँ बना देंगे। फिर पांचवी यूनिट में ये हो गया था 4, सॉरी चौथी यूनिट में, और 24 और 4 28, तो ये 28 तो ऊपर आपको दिख ही रहा है, उसके एकदम एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पांचवी यूनिट में ये हो गया था 0, नहीं 2 आएगा, 2 सॉरी 2 आएगा, और ये हो गया था 30, आया था 30, थोड़ा ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? छठवीं यूनिट में ये हो गया था 0,
और ये 30 का 30 ही था, सही बोल रहा हूँ मैं, इक्वल का इक्वल ही था ना। और फिर अगर आगे बढ़ाएंगे अगर 7वीं यूनिट में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर अपन -4 लिख सकते हैं या -2। और ये 37 28 आ गया था, आ गया था, आया था कि नहीं, ये 20 जो भी माइनस करने के बाद अपन ने निकाले थे, सही बोल रहा हूँ मैं। अब मैंने पूरे पॉइंट्स बनाए, कैसे बनाया पता है ना, ये पहली रोटी पर MUTU कितना था, अब इन पॉइंट्स को मैं एडजॉइन करूँगा, ध्यान देना। ये MU का है पहली यूनिट पे, ये सही बना रहा हूँ, दूसरी यूनिट पे ये, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं पे 0, फिर निगेटिव, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ये जहाँ 0 हुआ था, कौन MU हुआ था यहाँ 0, वहाँ पर TU मैक्सिमम था, था कि नहीं था, मेरे को इतना बताओ तुम लोग, था ना, यहाँ TU क्या था, मैक्सिमम ना, MU becomes 0, TU becomes maximum, and that shows your maximum satisfaction, यानी जब उस रोटी से आपको कुछ नहीं मिला तो आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गए, तो ये एक पॉइंट मिला, ठीक है। अब TU का जो कर्व है वो अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इससे एक चीज़ और क्लियर हुई कि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स, क्लियर है। अब ये दोनों का रिलेशन हुआ, अब एक रिलेशन अपन बनाएंगे, तो TU का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, TU का जो कर्व है वो अपवर्ड जा रहा है और MU का जो कर्व है वो डाउनवर्ड जा रहा है, बट इनिशियल लेवल पर दोनों इक्वल थे 10 10, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इनिशियल लेवल पर बोथ आर इक्वल, था कि नहीं था। फिर सिक्स्थ यूनिट पर, सिक्स्थ रोटी पर, सही से समझना, TU क्या हो गया, सिक्स्थ रोटी पर TU गेट मैक्सिमम 30 और MU क्या हो गया, जल्दी बोलो, MU क्या हो गया, 0, वो आपको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उस पॉइंट को मैं आपको एडजॉइन करके बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे ला लेंगे, एक सेकंड ना, ये पॉइंट ये देखा मैक्सिमम पॉइंट, ये यहाँ जोड़ देंगे 0 वाले से उसको, देखा ये ऐसे, तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि सिक्स यूनिट पर MU 0 हो गया, TU क्या है, मैक्सिमम, सही बनाया मैंने। पॉइंट कैसे बनाया आपको समझ में आया ना, रिलेशनशिप बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट आपको मैं, है ना, क्लियर है। अब एक चीज़ और बता दो, देखो क्या होता है, कभी ये दो तीन चीज़ें लिख लेना, भूलना मत कभी इस बात को, कि जब भी दो वेरिएबल में इन्वर्स रिलेशन होगा, तो यहाँ कौन से दो वेरिएबल है जिनमें इन्वर्स है, सर पहला तो है TU और MU और दूसरा है MU और यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी, इसमें भी तो इन्वर्स है, यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी बढ़ रही है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जब किसी भी वेरिएबल में इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स कैसा, इन्वर्स, तो हमेशा जो स्लोप आएगा ना कर्व का वो निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब होता है जो लेफ्ट टू राइट जाए और अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, जो अभी हमने ने MU को देखा, देखा कि नहीं देखा, ठीक है, पहला ये हुआ, लिख लेना कॉपी में, जब दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब TU भी बढ़ रहा है और यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी भी इंक्रीज़ हो रही, दोनों इंक्रीज़ हो रहे कि नहीं हो रहे, दोनों डिक्रीज भी होंगे तब भी, बट अपन यहाँ इंक्रीज़ कर पड़ रहे हैं, तो जो कर्व बनता है ना हमेशा, वो हमेशा जो कर्व बनता है वो होता है ऐसे, जो ये अपने को दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप, दो वेरिएबल में जब डायरेक्ट रिलेशन होगा, ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट बट डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, ये सब लिख लेने का है, सही है, बोलने का नहीं है। तो ये देखो आया ना, अपन ने जो पढ़े भी, ये वाले पॉइंट पर क्या मिला उसको, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है ना, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन तो मैक्सिमम हो गया ना, बट एडिशनल 0 हो गया। अब आप 7वीं यूनिट की ज़रूरत नहीं है, 7वीं रोटी मत खाना, अब 7वीं अगर रोटी खाओगे तुम तो क्या होगा, देखो ये आ गया 7वीं रोटी पे आपको सेटिस्फेक्शन, ये जो पॉइंट है ना ये निगेटिव सेटिस्फेक्शन है, तो डिसयूटिलिटी बोलते हैं, मतलब नो यूटिलिटी फ्रॉम 7th रोटी, सही है। और TU भी क्या होने लगा, धीरे धीरे डिमिनिश, कम होने लगा, क्लियर है। अब देखो कम हो रहा है मतलब क्या है, निगेटिव स्लोप आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन हो गया, 7th यूनिट तो बढ़ा बट सेटिस्फेक्शन कम हो गया, तो देखो वो भी निगेटिव हो गया थोड़ा सा, निगेटिव स्लोप, ये सब लिख लेने का है, ओके। ये कैसे मैंने एडजॉइन किया आपने देखा, पहली यूनिट में मैंने अपने हाथ से फ्री हैंड डायग्राम बनाया, आपको भी फ्री हैंड बनाना है, ऐसे पॉइंट्स को पहले बना लिए, मार्किंग देखो मैंने कैसे लिया, 32 तक है, मैंने 30 तक लिया था कि 32 की ज़रूरत थी नहीं, कितने वेरिएबल है, 3। अब आप लोग सर आप तो बोलते रहे 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल मीट किए ना यहाँ पर, कौन कौन से वेरिएबल मीट किए, TU और इक्वल्स टू MU हुआ ना,
ये देखो ना, ये लाइन से हमने शो किया ना, अब वो शो कर रहा है आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? अब इसको लिखना कैसे है पहले ये समझो तुम, इस पर तुमको मार्क्स कैसे मिलेंगे। पहला है टी यू इज़ टोटल यूटिलिटी कर्व, एग्री। एम यू इज़ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एग्री एग्री। एक्स में लिखा यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, ये क्लियर हो गया। फिर सबसे पहले लिखेगा, देखो क्या लिखा उसमें, जो मैंने आपको बताया टोटल यूटिलिटी कर्व का अपवर्ड स्लोप है, इसका डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। फिर टोटल यूटिलिटी आपने देखा हमेशा पॉजिटिव है, कभी जीरो नहीं हुआ और नेगेटिव नहीं हुआ, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है टोटल यूटिलिटी की, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो आपको दिख भी रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी होता है जो यहाँ रहा, जीरो भी होता है जो रहा, और निगेटिव भी होता है जो हमने देखा, गया ना नीचे, यहाँ निगेटिव भी तो गया। इसको हम डिससेटिस्फेक्शन कहते हैं। कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना हम लोग, या ज़रूरत नहीं होती तो ज़बरदस्ती से खा पी लेते हैं, वो ये है। ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। इससे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इनिशियल लेवल पर पहली यूनिट पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप बताना मुझे, क्या कि टी यू मिनिमम था और एम यू मैक्सिमम था? सोच समझ के आंसर देना। पहली रोटी पर या पहली यूनिट पर टी यू अपने मिनिमम पे था, एम यू अपने मैक्सिमम पे था? ज़रा देखो गौर से क्या बोल रहा हूँ मैं। ये टी यू का मिनिमम है, इसके बाद तो इतना हुआ ही नहीं ना, और ये एम यू का मैक्सिमम है, इसके बाद ये भी कभी इतना नहीं आया। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? डिफरेंस बिटवीन में काम आएगा ना बे। फिर जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा, टी यू स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स और एम यू मूविंग डाउनवर्ड्स, जो आपको यहाँ दिख रहा है, क्लियर है? देखो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड में टी यू बढ़ तो रहा है बट धीरे धीरे कम भी हो रहा है ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे है, एम यू पे, और वो तो कम हो रहा है। देखो वर्ड है यहाँ पर एक भी, डिमिनिशिंग रेट, मैंने अभी वहाँ पर भी लिखा था आपको, डिमिनिश मतलब जो धीरे धीरे कम हो, बढ़ भी रहा है बट धीरे धीरे कम होते होते बढ़ रहा है। तो ना मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करता हूँ, जो टोटल यूटिलिटी है इट्स ऑल डिपेंड अपॉन एम यू, फॉर्मूला पढ़े ना अपने, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर। तो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज करूँगा, आपको लिखना नहीं है बट समझने के लिए। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग एम पी, क्योंकि सॉरी एम यू, क्योंकि एम यू कम हो रहा है इसलिए टी यू भी कम हो रहा है। ऐसे लिख लेना कॉपी में, याद रहेगा हमेशा के लिए। रेट मतलब यहाँ एम यू का जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, सिक्स यूनिट आया कि नहीं आया, सिक्स रोटी में, जब टी यू अपना मैक्सिमम हो गया और एम यू क्या हो गया, ज़ीरो। देखो उन्हें एक्सप्लेन कैसे किया आपको समझने की कोशिश करवा रहा हूँ। फिर आफ्टर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, रैशनल कंज्यूमर तो रुक जाएगा ना, क्योंकि पेट भर गया उसका, क्योंकि उसको और ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फर्दर कंज्यूम करते हो उसके बाद, क्या लिखा देखो यहाँ पर एक वर्ड, इल इफेक्ट्स, डिससेटिस्फेक्शन, डिसयूटिलिटी फ्रॉम द सेवंथ यूनिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा ग्राफ कैसे बनाया आपने? मैंने आपने देखा मैंने कैसे एडजॉइन किया पॉइंट्स को, फ्री हैंड डायग्राम इज एवरीथिंग। दो वेरिएबल के बीच में इन्वर्स रिलेशन हुआ तो कौन सा स्लोप, नेगेटिव। डायरेक्ट रिलेशन में कौन सा स्लोप, पॉजिटिव। जिस पॉइंट पर मिले वो पॉइंट ऑफ सेरिटी आपके सामने बनाया, फिर ये निगेटिव होगा तो ये भी धीरे धीरे कम होगा। और इनको चिपकाना नहीं कभी वाई एक्सिस से, मैंने गलती से कर दिया, क्योंकि जीरो नहीं होता ना, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो रहा, और स्टार्ट ही 10 से हुआ तो यहाँ 10 है, अरे है कि नहीं है, है ना। फिर उसके बाद ये यहाँ पहुँच गया, ये भैया यहाँ आ गए, है ना, सही है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तुम्हारा हो गया, एक मिनट, ये तुम्हारा हो गया 30, सही है, 30 है ना, वहाँ पर 30 के दो पॉइंट आएंगे, क्योंकि दो जगह पर 30 रहा था ना वो, देखो यहाँ दिखा होगा, दो जगह पर 30 है, ठीक है। तो बच्चे कई बार पूछते हैं जब ऑलरेडी 30 आ गया तो आगे गया, तो यहाँ 2 था ना, कुछ तो मिल रहा था, वो जीरो तक का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये जो मैंने डायग्राम बनाया, समझा कैसे बनाया, फ्री हैंड डायग्राम, जो चीज़ें लिख रहा हूँ उसको याद रखो, डिफरेंस बिटवीन में काम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहला मीनिंग है, समझ रहे में आया ना, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग, एम यू हमेशा डिमिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद में एट द पॉइंट ऑफ सैटिडी, देखो एट द पॉइंट ऑफ सैटिडी का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, एम यू जीरो होता है और टी यू वहाँ मैक्सिमम होता है 30, अब भी पढ़ाया ना, अब भी तो पढ़ाया है ना, ओके। और बाकी के मैं तुमको अब नहीं बताता, अब ये तुम्हारा काम, क्योंकि अब मैं सब कुछ बता दूंगा तो मतलब क्या रहेगा, मुझे सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। अभी समझा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, बहुत
कितने भाग में उसने उसको एक्सप्लेन किया ये आपको दिख गया, और ग्राफ ऐसे ही एक्सप्लेन करना पैराग्राफिकल, थोड़े थोड़े पॉइंट्स में मत करना नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया पक्का? इसका एक सेपरेट डायग्राम भी बनता है, वो हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ लिख दिए टी यू, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ एक्सिस, जीरो यूनिट्स, यूनिट्स पूरा लिखना है, यूनिट यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, ऐसे जाके ऐसे। और एम यू का कैसा बनेगा, सेम वही चीज़ें लिखने के आजू बाजू में, एम यू का जाके ऐसा। फ्री एंड डायग्राम बोलते हैं इसमें, जिसमें मार्किंग नहीं होती, फ्री बनाती है। पक्का समझा? शेड्यूल जैसा था वैसे मैंने डायग्राम बनाया। ओके, अच्छे से पढ़ने का, क्या मैंने किया, किस तरीके से बनाया ना, ये सेकेंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है। ओके, नेगेटिव स्लोप क्यों होता है जब दो चीज़ों में इनवर्स रिलेशन होता है, जब पॉजिटिव स्लोप होता है कंज्यूमर रैशनल होता है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन को रोक देगा, नहीं रोकेगा तो फिर गधा है, इरेशनल है। कंज्यूमर रैशनल है तभी तो वो कंज्यूम करते जा रहा है अपने पॉइंट ऑफ सेरिटी तक। ये पॉइंट मैक्सिमम यहाँ पर हो गया ना, टी यू इक्वल्स टू एम यू यहाँ पर हो गया। पक्का समझा? यहाँ पर जो मैं छोटी छोटी सी बारीकियाँ बता रहा हूँ सब आनी चाहिए, सब। ओके, अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा पढ़ने में। रोटी वाला एग्जांपल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा सा रियलिस्टिक होता है, लाइक इतनी सारी कौन खाता है, कौन तो समोसे खाओगे क्या तुम लोग? पर उसकी कई शर्तें हैं, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा उस पर डिपेंड होता है, और इसको हम निकालते हैं इससे माइनस करके, प्रीवियस वाले से पढ़ा है ना फॉर्मूला, है ना, 18 - 10 = 8, 25 - 18, तो ये अपने को जाने का नहीं है उस पर। ओके, एक और लाइन बता देता, जैसे जैसे ये रिएक्ट करेगा ना वैसे वैसे ये रिएक्ट करेगा, ये कम हो रहा था ना इसलिए ये भी बढ़ते बढ़ते कम हो रहा था, ये ध्यान रखना इस बात को। टोटल सेटिस्फेक्शन इज ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन एडिशनल सेटिस्फेक्शन। हर दूसरी रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ही तो ऐड करेगा टोटल सेटिस्फेक्शन। तुम गोंदिया वाले तो पोहा भी ऐड कर सकते हो, प्लेट पोहे पा खाते हैं ना, दुर्गा में जाके पाँच पाँच प्लेट पोहे कुछ हफ्सी है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छे से समझा मैंने कैसे ग्राफ बनाया, किस तरीके से क्या हुआ। कर्व समझता है आपको, ये कर्व है, ये भी कर्व है, और ये जहाँ से जहाँ जा रहा है उसको स्लोप बोलते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, नेगेटिव स्लोप क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ये भी कर्व है, ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट बट डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, क्लियर, चलो फिनिश।